ये निकल के आया और ये पूरा पैनल मस्त आ रहा है ये। सो हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया ही होगे ना। चलो अब टाइम आ गया अपने आगे का प्रोसेस करने का, मोल्ड को खोलने का। इजीली खुल जाए, बस टूटे ना, और फिर उसको आगे का प्रोसेस जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? उसको तोड़ के पूरा पैनल निकाल लेंगे, पूरा पैनल आज रेडी कर देंगे अपना। साइड वाला जो पैनल था ना, उसको फाइबर में निकाल के आपको एक बार दिखा भी दूंगा कैसा आ रहा है लगा के फाइबर में, ठीक है? और आगे का प्रोसेस वो धीरे धीरे मैं आपको दिखाता रहूंगा। चलो फिर आते हैं बाइक पे। तो अब मुझे ना इसको खोलना होगा, ठीक है? नेक्स्ट डे आ गया है, ये थोड़ा सूख गया है, उस लेवल का नहीं सूखा है जो मैं सोच रहा था सूख जाएगा। धूप नहीं आ रही है ना, इसलिए सूखा नहीं है। तो हम उसको कवर कर लेते हैं पॉलीथीन से, जिससे कि ये इसका जो गंदगी आएगी, जो गिरेगी, तो वो इस पे ना चिपक जाए। उसको कवर कर लेता हूँ, फिर इसको हटाता हूँ। फिर मैंने अभी थोड़ा इसको फिनिश भी किया है, मैं और फिनिश कर रहा हूँ। देखो मैंने ये भी दबा दिया है, एकदम मर्ज कर दिया है, ठीक है? ये भी, और यहाँ भी मुझे कुछ बनाना है जो कि इसमें दिख रहा है मुझे, छोटा सा वो रहा अंदर की साइड, तो यहाँ पे भी हमें बनाना है। तो उससे पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। इससे एक्चुअली इससे वेट काफ़ी हो रहा है इसके ऊपर, और पहिए हैं नहीं हमारी गाड़ी में, क्योंकि हमने आर्मेचर के ऊपर बनाया, ठीक है? चलो पहले ये सारी सपोर्ट भी हटानी है, मुझे सपोर्ट लग रही है, इसको निकाल देता हूँ, फिर आपको शूट करके दिखाता हूँ ये कैसा आया। आई होप कि ये टूटे ना और आसानी से निकल जाए। तो ये मैंने निकाल दिया है, ठीक है? टूट गया है थोड़ा, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। चलो अब मुझे ना क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है? इस वाले पार्ट को निकालना है, तो इसको निकाल देते हैं अच्छे से। ये पूरा निकालना है, ठीक है ना? इसको अगर मैं पूरा खींचूंगा तो ये भी निकल जाएगा, तो अच्छा है। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ अच्छे से, है ना? ठीक है, चलो इसको मैंने कवर कर लिया था। देखो काफ़ी इफेक्ट पड़ा, मेरी बहुत मेहनत लग गई इसको निकालने में काफ़ी, क्योंकि तो इसके भी निकालने के ना कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, इसीलिए निकाला जाता है। चलो पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलो तो लो ये फिर मैंने कर लिया है, इसको जोड़ लिया है, और इसका जो काम करना था वो कर लिया है। अब मैं आपको इसको आगे का करके दिखाता हूँ, ठीक है? चलो इसे निकालता हूँ, हथौड़ी किधर है, हथौड़ी दिखता हूँ। चलो जैसे कि अपना फ्लोर गंदा ना हो, तो इसको उठा के इस पे डाल लेते हैं, ठीक है? इसको इस पे ले आता हूँ, और जो भी कूड़ा कवाड़ा आएगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। चलो हथौड़ी भी मिल गई है, ये रही। इससे पहले ये वाला पार्ट निकालते हैं, क्योंकि ये पहले से ही टूटा हुआ था। बस दुआ कीजिए कि सही सलामत निकल जाए। लो पहला पीस देखो, ये मैं हटाता हूँ। अरे वाह, मस्त निकल के आ रहा है, फिनिश। ये लो दूसरा, ये भी बढ़िया आ रहा है। और ये लो, ये बीच के पे, क्या बात है, बढ़िया। बस चिपचिपा है बहुत, क्योंकि मौसम तो आपको पता ही था कैसा है। अभी भी ये गीला है, पता है आपको, सूखा नहीं था ये। ये देखा, ये निकल के आया, और ये पूरा पैनल मस्त आ रहा है ये लो। ये अब बन गया, ये आ गया पैनल। देखो इसमें वो वाला पार्ट भी है, ठीक है, जो इंजन से आता है, और इसके ये अंदर से हम निकाल लेंगे दोनों। चलो ठीक है, और यहाँ पे हमें कट डालना है, ठीक है? जो कट उसमें आता है, कट में मैं दिखाता हूँ ये वाला कट। तो इधर का पैनल तो ये रहा, और दूसरी साइड पे ये रहा, दोनों पैनल आ गए। अब इसको मैं लगा के आपको दिखा दूंगा। ये हमने अभी पन्नी लगाई हुई ताकि इसकी गंदगी पे लिपटे ना, और ये ऐसे आ जाएगा। उसके लिए पहले मुझे इसे फिनिश करना होगा, ये इधर से जितना भी दिख रहा है ना, ग्राइंडर मारता हूँ इस पे, जो चिपचिपा हो रहा है उसको निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
सो मैंने इसका एक्स्ट्रा जो भी पार्ट थे वो कट कर दिए हैं साइड से, ठीक है। अब देखो इजीली मैं जस्ट ऐसे ही फिक्स करके दिखा रहा हूँ। ये रही अपनी बाइक, ठीक है, ये रहा अपना ये। और अब देखो ये वाला जो कट है ये जाएगा इसके अंदर, ये ऐसे करके जैसे उधर का गया था ये तो गया। आसान है एकदम, इसको यहाँ पे फिक्स करके ये देखो एक बार। अच्छा एक मैं स्क्रू लगा देता हूँ यहाँ पे, फिर उससे आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। स्क्रू लगा के दिखाता हूँ। तो देखो मैंने लगा तो दिया है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये पार्ट मेरा रेडी हो गया। देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ डिटेल, देखो एक बार रोशनी, थोड़ी रोशनी करता हूँ। ये देखो ये वाला जो यहाँ से आ जाएगा, ये नीचे का मैं बनाऊंगा, तो ये ना इतना ऐसे रहेगा ना, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। ये ओरिजिनल फील देगा एकदम, क्योंकि मैंने इसको ओरिजिनल जैसा ही बनाया है कि ओरिजिनल ही लगेगा एकदम कहीं से भी। और फिर एक स्क्रू ना यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, एक स्क्रू यहाँ से हो जाएगा। दो स्क्रू तो यहाँ पे हैं ही, तो ये रोक लेंगे। ये मैंने स्क्रू यहाँ पे करके ऐसे ही जस्ट दिखा दिया, इसको बाद में हम भर देंगे। और ये भी एकदम सही आ रहा है, ये भी एकदम सही आ गया है, ये पूरा सही आ गया है, यहाँ भी एकदम सही बैठ रहा है। ये देखो इससे टच होगा, इसको हम फिनिश कर लेंगे। अभी मुझे बस दिखाना था तो इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। तो देखो ये भी एकदम मस्त एकदम टच आ रहा है ना, टच हो रहा है यहाँ पे भी, इसको हम बाद में फिनिश कर लेंगे। और घिसाई विसाई करके जब फाइनल करेंगे ना, तो पूरा एक एक चीज़ को यहाँ से पूरा मेजर करेंगे, एक दूर ना दिखे बिल्कुल भी, सारा टच दिखेगा। ये भी एकदम टच रहेगा यहाँ से ऐसे, ये हमें इतना मोटा रखना है पतला रखना है वो हम देखेंगे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला पार्ट पूरा फाइनल करना है, ये अपना जो टूट गया था टेल, ठीक है। तो मैं ये इसको फिनिश कर रहा हूँ, यहाँ से पूरा बना रहा हूँ। उसके बाद ना हम ये करेंगे कि इसका एक साथ पूरे का ले लेंगे और फिर बाद में पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर ये तो काफ़ी लंबा और टाइम लगेंगे, क्योंकि हम इसका करेंगे फिनिश, फिर इसका मोल्ड लेंगे और ये फिर सूखेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम वीडियो यहीं पे पूरा करते हैं, आज का वीडियो इतना ही था। बने रहिए अगली वीडियो के लिए, ज़रा बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अगला वीडियो आपके पास एकदम पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें।